नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मुंबई में बीती रात दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और वरुण धवन के मेजर अवार्ड्स लेने के कुछ घंटों बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पर एक ऑब्जेक्शन उठाते हुए अपने हिसाब से विनर्स की लिस्ट शेयर की है। जी हाँ, इसके साथ ही एक्ट्रेस ने ट्वीट भी किया है। कंगना ने दावा किया कि नेपो माफिया हर किसी का अधिकार छीन लेता है। एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा से ही बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर अपनी बेबाक राय रखती है। अब कंगना रनौत ने हाल ही में हुए दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 को लेकर निशाना साधा है। एक्ट्रेस ने ट्वीट कर अवार्ड शो में नेपोटिज्म का आरोप लगाया है। कंगना इससे पहले भी कई दफा नेपोटिज्म को लेकर बोल चुकी हैं और अपनी राय रख चुकी हैं। कंगना ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, नेपो माफिया हर एक का हक छीनने से पहले अवार्ड सीजन यहां है। मुझे इस साल के बेस्ट एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा, बेस्ट एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर सीतारमन और बेस्ट फिल्म कांतारा, बेस्ट डायरेक्टर एसएस राजमौली आरआरआर के और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनुपम खेर कश्मीर फाइल से और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तब्बू भूल भुलैया से। ये लोग जाएं या नहीं, पुरस्कार इन्हीं के हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इसमें शामिल होते हैं या नहीं। फिल्मी अवार्ड्स की कोई अथॉरिटी नहीं है। यहां काम खत्म करने के बाद मैं उन सभी की एक प्रॉपर लिस्ट बनाऊंगी जो मुझे लगता है कि डिजर्विंग है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। कंगना ने अपनी एक और पोस्ट में लिखा कि नेपो इंसेक्ट्स की लाइफ पेरेंट्स के नाम और कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए, काम पाने के लिए पापा जो चापलूसी करते हैं, अगर कोई सेल्फ मेड आए तो उसका करियर तहस नहस कर दो, अगर कोई किसी तरह बच जाता है और लगातार उत्पीड़न की शिकायत करता है तो उसको बिकाऊ माफिया पीआर से ईर्ष्यालु या पागल बोलकर डिसमिस या डिसग्रेटेड कर दो, यही तो तुम्हारी करतूतें हैं। लेकिन मैं अब आप सभी को निष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्प हूं। कोई भी लाइफ की ब्यूटी में लीन नहीं हो सकता है जब चारों ओर इतनी बुराई हो। बता दें कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सोमवार को रणवीर कपूर को बेस्ट एक्टर और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आलिया ने गंगूबाई काठियावाड़ी में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जीत हासिल की, तो वहीं रणवीर ने ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के लिए अवार्ड जीता। वहीं वरुण धवन ने फिल्म भेड़िया में अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। वैसे ये अवार्ड देखने के बाद और जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, फोटोज वायरल हो रही है, तमाम आलिया की फोटोज वायरल हो रही है, रणवीर और वरुण की फोटोज वायरल, क्या आपको लगता है कि कंगना का कहना सही है? क्या कंगना जो ऑब्जेक्शन उठा रही है, जो कंगना बात कह रही है, वो 100% सही है? क्या वरुण, आलिया और रणवीर डिजर्विंग नहीं है? और जिनकी लिस्ट उन्होंने अपने आप बनाई है, कंगना ने अपने आप जो लिस्ट बनाकर अपने इंस्टा पर शेयर की है, क्या आपके मुताबिक वही लोग डिजर्विंग है? इसमें आपकी क्या राय है, क्योंकि फैंस की राय ही सबसे बड़ी राय होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।